हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको करवा चौथ के लिए पूजा की जो हमारी थाली होती है उसको सजाना सिखाऊंगी। तो आप सबसे पहले तो आप कोई भी नॉर्मल थाली ले लीजिए या प्लेट। मैंने तो प्लेट ले रखी है, ये नॉर्मल प्लेट है और इसके साइज़ का मैंने, ये मेरे पास स्लीन का कपड़ा पड़ा हुआ था, इसको मैंने राउंड शेप में कटिंग की इसकी। और फिर मैं इससे इसको कवर करूँगी और इसके बीच में इसका इसके सेंटर पे ये सूट का, कढ़ाई वाले जो हमारे सूट होते हैं उसका एक ये मैंने फ्लावर राउंड शेप में कटिंग कर रखा है। इसको मैं ऐसे बीच में लगाऊंगी और साइडों में मैं ये मोती ले रखे हैं मैंने, ये मोती साइडों पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले आप सीधी साइड जो हमारा फ्रंट एरिया है वहाँ पे कपड़े को सीधा रखेंगे और नीचे की साइड हम यहाँ पे राउंड शेप में फेविकोल लगाएंगे, ऐसे फेविकोल लगाएंगे। अगर आपके पास फेविकोल नहीं है तो आप ग्लू भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने लगाया। अब हम इसको प्लेट को ऐसे सीधा करेंगे और ऐसे इसको राउंड शेप में कपड़े को चिपकाएंगे इसके साथ, ऐसे इसको। जो हमारी है उसको कवर करेंगे कपड़े से, ऐसे। अब हम के बीच में इसका सेंटर करके देखिए, इसका आ रहा है 4.25। जो इसका राउंड शेप है हमारी, इसके बीच में इसका सेंटर, सेंटर के बीच में यहाँ पे ये लगाएंगे, फेविकोल लगाएंगे ऐसे। और बीच में हम इसको लगाएंगे ऐसे। अब हम 3-3 इंच की दूरी पे ऐसे ये मोती लगाएंगे। सबसे पहले हम 3 इंच की दूरी पे ऐसे फेविकोल लगाएंगे ऐसे। फेविकोल लगाया हमने। अब हम के ऊपर से मोती लगाएंगे ऐसे, मोती को लगाएंगे 3 इंच की दूरी पे। की दूरी पे ये
ये देखिए हमारी प्लेट जो है देखो बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये, देखिए ऐसे ही मैंने छन्नी के ऊपर लगा रखा है। ये मैंने मेरे पास लेस बची हुई थी और उसको मैंने ऐसे ही फेविकोल से इसके ऊपर ऐसे सेट किया है। ये देखिए तो ऐसे आप घर पे ही घर की चीज़ों से ही पूजा की जो हमारी करवा चौथ की थाली है उसको ऐसे सजा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को एंड तक देखें, बीच में न काटें। थैंक यू।